अभी जो हम लोग देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या परिस्थिति है आज हमारी नदियों की, हमको क्या करना है एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क टू डू इन द फील्ड ऑफ रिवर रिजुविनेशन. वी बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जूलॉजी, साइंस स्टूडेंट्स, बट बेसिकली इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू साइंस ओनली, बट इट इज लाइक ऑल सब्जेक्ट्स. इट्स लाइक काइंड ऑफ एन मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी इन अप्रोच. सो एनीबडी, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस एंड रिवर रिजुविनेशन इनिशिएटिव्स फॉर स्टूवर्डशिप. दैट मीन्स हम अपने आप में कैसे हम ट्रस्टीशिप लाएंगे, ओनरशिप हम ओन कर रहे हैं उस रिवर को और उसको बचाने की कोशिश, उस सिचुएशन को फील करते हुए, सोचते हुए हम देखेंगे चीज़ों को. क्योंकि आज के दिन में जब तक मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, और हम क्योंकि मुंबई से हैं इसीलिए स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई, क्योंकि आज दुनिया भर में हर जगह पे बात चल रही है, तो हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, यहाँ पे जो हम अपनी वेदास उपनिषद, ये हमारी जो ट्रेडिशनल धरोहर है, ये हम लोगों को क्या सिखाती है, हम लोग उससे क्या, हम आज दुनिया के गुरु माने जाते थे इंडिया, और इसीलिए हमारे पास जो गुरुकुल पद्धति थी अब वो खत्म नष्ट होती जा रही है. लेकिन हम अपने उपनिषदों को भूल ना जाएं, उस वेदास में हमको क्या हमारे ट्रेडिशन में थे. जैसे आप देखते हो कि अपने देश की जितने भी देवी देवताएं हैं उनके साथ में कोई ना कोई एनिमल क्यों जुड़ा हुआ है वैसे, ताकि आप उनको प्रोटेक्ट करोगे. ऐसा आप कहीं भी किसी देश में नहीं देखते हो. आइडल पूजा, पत्थर पूजा, पेड़ पूजा, ये सिर्फ इंडिया में होती है. लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी हमारा ही देश ऐसा है जहाँ हमको सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कटिंग, सबसे ज़्यादा हर चीज़ का नाश करते हुए मिल जाते हैं. वेदा में सबसे पहला लिखा हुआ ये आपः ब्रह्मास्मि, मतलब क्या, वाटर इज लाइफ, वाटर इज गॉड, वाटर इज क्रिएटर. आप अगर उसका मीनिंग भी देख लोगे, वो श्लोका वहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ साथ आप लोगों के लिए, इसीलिए सब कुछ हमने बिल्कुल ऐसे कर दिया है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा. देखो, वी ऑल प्रे टू एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर प्लीज स्टॉप फॉर अस बिकॉज वी कैन गेट लाइफ एंड हैप्पीनेस. योर एनर्जी रिचार्जेस अस टू ट्रैवल द होल अर्थ फॉर. उसके पीछे बड़ी बड़ी साइंटिस्ट, साइंटिफिक ग्रुप, नासा ने कहा कि अभी पूरा जो हमारे ओशंस है, दे हैव बिकम द ग्लोबल टॉयलेट्स, एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज. क्यों कह रहे हैं कि इट हैज बिकम ग्लोबल टॉयलेट, बिकॉज फ्रॉम द रिवर्स ऑल द ड्रेनेज इज डिस्चार्ज इन टू द ओशन डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. सो ऑल अनट्रीटेड ड्रेनेज इज गोइंग इन टू द सी, एंड दैट्स वाई जो हम लोग देख रहे हैं आज की वो जो हीटिंग, एसिडिफिकेशन हो रहा है समुन्द्र में, और हीट बढ़ रहा है और लेवल बढ़ रहा है, ये जो कह रहे हैं साथ साथ, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वॉट एवर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे शेल शेल ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो कवर है शेल वो नहीं बन पा रहा है, तो एनिमल पूरा फॉर्म नहीं हो रहा है, उसकी ब्रीडिंग स्पॉनिंग सब कुछ खराब हो जा रहा है, पूरी सिस्टम उनका जो है वो पूरा अफेक्टेड है. सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हम सिक्स एक्सटिंक्शन के तरफ बहुत फास्ट जा रहे हैं, वाई वी आर सेइंग दैट सिक्स एक्सटिंक्शन वी आर गोइंग वेरी फास्ट, इट्स नॉट मी बट द लिविंग Planet reports of WWF says that already 60% of wildlife have become extinct. ये मेरी बात नहीं है, और आप समझ सकते हो जब हम 60% कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ हैव बिकम एक्सटिंक्ट, दैट मीन्स यू जस्ट इमेजिन, यू नो दैट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड इन फूड चेन, और जब हमारा एक भी ऑर्गेनिज्म अगर उसमें से एक्सटिंक्ट होता है, बड़ा इम्पैक्ट होता है. अब मैंने आपसे कहा वाइल्ड लाइफ के 60% ऑलरेडी जा चुके हैं. अपना एनईपी में ये जो आज आप वेयर इन द वर्ल्ड पीपल आर लुकिंग फॉर द रिसोर्स पर्सन्स, दोज हु नो अबाउट रिवर्स, रिवर रेस्टोरेशन, एंड इवन इफ यू कैन कनेक्ट देम टू अदर एक्सपर्ट्स, सो दैट इज एन एंटरप्रेन्योरियल अगेन अ वेंचर विच यू कैन स्टार्ट विथ फॉर द रिवर रिजुविनेशन. एवरी वेयर अक्रॉस द ग्लोब दिस इज गोइंग ऑन फॉर एवरी लेक, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड एज मेनी प्लेसेस, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन. सो दिस कैन बी अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ये इसका रीजन ही है कि आप लोगों को कम्युनिटी ओरिएंटेड रिसर्च पार्टिसिपेशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, यही वजह है आज हमने आपका इस जो स्टडी टूर को एम्बेड किया एनईपी 2020 में. आप सबको अभी रिसर्च ओरिएंटेड होना है. रिसर्च ओरिएंटेड मतलब क्या, लाइक यू कंडक्ट अ लोकल सर्वे एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकल सर्वे यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स.
जब तक आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप सोल्यूशन के ऊपर नहीं आ पाओगे। इसीलिए आपको सर्वे कंडक्ट करना बहुत जरूरी है, और सर्वे का मतलब होता है डेटा का मिलना। तो इस तरह से हम लोग अपनी इस काम को अंजाम दे सकते। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, करियर जैसे आज आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, वो हमारे अब जब आप बाहर जाओगे आप देखोगे हमारे पास में एक वेदर स्टेशन का डिवाइस भी लगाया हुआ है इसी बिल्डिंग के ऊपर। ये वेदर स्टेशन क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर तक का रेडियस को ये कवर कर रहा है, एंड देन इट इज कलेक्टिंग डेटा। डेटा ऑफ व्हाट? ह्यूमिडिटी, पीएच, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, ये सब चीजों को वो डेटा डिवाइस के थ्रू से कलेक्ट हो रहा है, और उसका उपयोग हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न, हमारा जो पालघर रीजन है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सीइंग वेदर नाइस फ्लोइंग सच ब्यूटीफुल टुडे यू सॉ, बट इट्स नॉट ऑल थ्रू द थ्रू आउट द ईयर। हमेशा यहाँ पे बहुत ज्यादा स्केसिटी पानी का रहता है। एक डाइक्स के तरफ है जहाँ आपको 10 फीट पे भी पानी मिल जाएगा, मगर आप दूसरे डाइक की तरफ जाओगे तो वहां पर 200 फीट 100 फीट पे भी पानी नहीं लगता। इसीलिए यू विल फाइंड ऑल द वेल्स ऑल्सो ड्राइड अप, एंड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एज मॉर्निंग ऑल्सो दैट फेलो वॉज टेलिंग यू पीपल दैट बोरवेल्स हैव कम अप टू मेनी नंबर विच वॉज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे कि नदी इतनी नजदीक है तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी इतना लोगों का ये हो गया कि फास्ट सब चीज चाहिए। जैसे सुबह मैंने आपको दिखाया एक बोरवेल से कितना पानी निकलता है, पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो महाराष्ट्र इज फाइनली 12 crores एज एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन बाई NGT फॉर नॉट मैनेजिंग इट्स सीवेज एंड द सॉलिड वेस्ट। अपने मुंबई का या दूसरे शहर का, गाँव का, सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गार्बेज मैनेजमेंट, क्योंकि आज वो गार्बेज मैनेजमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा है तो ये सब कुछ नदी में ही जा रहा है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स को इग्नोर करूंगी और आगे आगे बढ़ूंगी जल्दी से। और कॉन्स्टेंट अकरेंस ऑफ ड्राउट्स एंड फ्लड्स, पहले इतना ज्यादा हमको ड्राउट्स और फ्लड्स नहीं दिखाई देता था साइमल्टेनियसली, आइदर इट यूज टू बी ड्राउट और द फ्लड्स। जब इंडिपेंडेंस से पहले जो फ्लड्स आते थे दे वर नॉट इवन 10%, आज अवर फ्लड्स हैव इंक्रीज टू 40-60%। रिमेंबर दीज थिंग्स दैट द वे वी आर गोइंग विद अवर डेवलपमेंट। इसीलिए कहते हैं कि बिना एनवायरमेंट और इकोनॉमी को एक साथ साथ जोड़ के हम कोई चीज को देख नहीं रहे हैं। हम खाली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तौर पे हम अपना डेवलपमेंट को देखते चले जा रहे हैं, इसीलिए ये सब चीजों में इम्पैक्ट होता जा रहा है। ये इसीलिए 2022 में अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, और इससे पहले भी ये थी 2015 में, दैट टाइम वाटर लिटरेसी प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, लाइक पानी के बारे में लोगों को जानकारी, जिस वजह से आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ एज अ जलनायक, हमारी उस टाइम पे आइडेंटिफिकेशन हुई कि कितने लोग नदी और पानी पे काम करते हैं जो हमारे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग रीजन में, और लोगों को एक कैडर बिल्डिंग होगी। इसी वजह से फिर जलनायक, जलदूत, जल प्रेमी, जलकर्मी, जल सेवक, ऐसी कैडर बिल्डिंग हुई जिससे कि सारी कम्युनिटी में लोग इस बारे में प्रचार प्रसार कर सके और पानी के बारे में ज़्यादा ज़्यादा जानकारी करके हम पानी को कंजर्व कर सके। तो उसी टाइम पे 2022 में ये चला जाड़ू या नदी का ऐसे कार्यक्रम किया गया जिसमें हम लोगों ने प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट के पास में कि दिस टाइम इट हैज़ टू बी एक्शन ओरिएंटेड, नॉट जस्ट वाटर लिटरेसी, कि खाली हम अवेयरनेस क्रिएशन किए जा रहे हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से सेकेंड फेज में शुरू हुआ चला जाड़ू या नदीला, जिसमें गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी इज डूइंग द हैंड होल्डिंग एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, लाइक व्हाट आई एम नाउ डूइंग विद यू ऑल, इट इज लाइक माय हैंड होल्डिंग विद द गवर्नमेंट एंड देन वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज। अभी वॉट एवर वी आर टॉकिंग इट्स लाइक एन एजुकेशन एंड अवेयरनेस बोथ इज हैपनिंग एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई इट to the field, so it will be application, like MSc students are going to be involved in the internship, so we are going to identify some water bodies where the work can be conducted very systematically. So that's how the research is all about. Now unless you have a sense of where a lot of water leaders जो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आगे आके काम कर सके, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, यहाँ बैठ के भजन करना हम नहीं कहते आपको स्पिरिचुअलिटी, इंटरनलाइजेशन, अपने अंदर से कॉन्शियसनेस के तौर पे अगर आप कुछ चीजों को जानो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसर्न्ड विद द ह्यूमन स्पिरिट और सोल एज अपोज्ड टू द मटेरियल एंड फिजिकल थिंग्स, आप अगर इन चीजों को समझ पाओ तो आप समझ सकोगे कि हम स्पिरिचुअलिटी क्या कह रहे हैं और उसमें लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए। इट इज अ सेट ऑफ बिहेवियर्स यूज्ड टू हेल्प पीपल अलाइन देयर कलेक्टिव डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजिक प्लान्स।
आप जब तक चीजों को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसको संस्कार में लाओगे नहीं, तो उसको व्यवहार में नहीं ला पाते। इसीलिए आपको सब समझना भी बहुत जरूरी है। अभी हमारा जो एसोसिएशन है, ये जिस तरह से हम अलग अलग बॉडीज के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो गोवर्धन इको विलेज के साथ हैं, फिर हमारा एसोसिएशन ये यहाँ पे भी, हमने आपको कल ही कुछ हमारे बारे में थोड़ा सा बताया, 2014 से हम जुड़ गए और तब से यहाँ पे नेक्सस कॉन्फ्रेंस हर साल करते हैं, ताकि बाहर से हर जगह से लोग आए और यहाँ पे कार्यक्रम हमारे साथ में फूड सिक्योरिटी, वेस्ट एंड वाटर, ये तीनों के बारे में हम लोग बार बार बहुत सारा कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। कोविड के दौरान ये पहला इंडो यूएस सस्टेनेबिलिटी समिट फॉर वाटर ये हम लोगों ने किया था, जिसमें कि हर जगह से, वर्ल्ड के अलग अलग जगह से लोग जुड़े थे और ये गवर्नर हाउस से एग्जीक्यूट हुआ था। ये हमारा गोवर्धन इको विलेज के साथ में पहली बार शुरू किया था ये हम लोगों ने इंडो यूएस सस्टेनेबिलिटी समिट, जहाँ से हम ये सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के संपर्क में भी आए थे। और ये है जब हम टाइम टाइम पर हमेशा यूएन में गए, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर हैं और यहाँ पे हमारे डीजी नमामि गंगे के अशोक कुमार जी हैं। मतलब हर बारी हम अलग अलग अथॉरिटीज के साथ में मिलकर, क्योंकि खाली हम चार दीवारी में आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोगों से बोले, उतना तक हम लोग सीमित नहीं रखते अपने काम को। उस काम को जमीनी तौर पे कैसे हो सकता है, इसके लिए वक्त वक्त पे ऐसे अथॉरिटीज के साथ भी मिलते रहते हैं। ये वो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है जहाँ पे अभी हम जाके और वहाँ पर हमने फुलब्राइट का प्रोग्राम किया और उनको भी मौका दिया हमने उस टाइम मार्च में 2024 में जब पहले गए, इस यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने मौका दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूएन में एक कार्यक्रम करने के लिए रिगार्डिंग ड्राउट्स एंड फ्लड। पहली बारी यूएन में ड्राउट्स एंड फ्लड रिलेटेड एक साइड इवेंट कंडक्ट किया गया जो हमारे ग्रुप ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में थी। मेरे ही इस यूनिवर्सिटी के छत से यहाँ पे आप मेरे साइड से एक नदी बहती हुई देखे, ये नदी बह रही है हालम रिवर, ये हालम रिवर हडसन की ट्रिब्यूटरी है। और आप देखिए इसके बाजू में देखिए सब ये बिल्डिंग्स है, जब अभी मैं आपको दिखा रही थी कि राइपेरियन जोन, यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो ऐसे ही ये खाली चित्र अमेरिका का ही नहीं है, इंडिया में भी आप यही पाते हो, जब आप जाते हो उल्लास नदी या दूसरे भादसा नदी वगैरह के साइड में भी आप देखते हो इसी तरह से। अपना तो ब्रिज बना हुआ है, ट्रेन जा रहा है, लेकिन इनका यहाँ पे स्टेशन है बाकायदा, यहाँ पे हालम का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जो नदी के ऊपर बनी हुई है। इसी तरह से एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उनके, तो ये जो सिचुएशन आज सारे दुनिया भर में, तो अब हमने उनको सिखाया पहली बारी, ये हमारी वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ हम काम कर रहे थे, और उनको सिखाया कि किस तरह से हमको अपनी नदी को ओनरशिप लेना चाहिए, उस नदी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करके कैसे हम उसकी स्थिति बदल सकते हैं। क्योंकि आज ये जो हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकलिंग, लेकिन ये तीनों भी चीजें हो नहीं रही है, ना हम रिड्यूस कर रहे हैं हमारे कोई चीजों को, ना ही हम रिसाइकल कर रहे हैं, ना ही रीयूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजों का बहुत आज सिचुएशन बहुत खराब है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, सीवेज मैनेजमेंट बराबर नहीं हो रहा है। अभी हमने वहां जाकर एक 285 मिलियन गैलन कैपेसिटी का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें हमने वहां पर काम किया, उसकी पूरी स्टडी की, वहां के जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ में हमने वहां पर काम किया, यहां पर डॉक्टर क्रिश रामलिंगम है जो कि एक्सपर्ट है इसके इनके साथ। लेकिन जब तक हम गए थे तब तक उनको शायद बहुत ही अपने इस प्लांट के ऊपर बहुत फख्र था कि वो एक बड़ा सा प्लांट लगाते हैं, बहुत अच्छा वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है दे डोंट फर्दर कॉल इट एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दे कॉल इट एज वाटर रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटी, दे डोंट कॉल इट एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। व्हाई दे डोंट कॉल, बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटिंग द सीवेज, दे आर रिकवरिंग एनर्जी, दे आर रिकवरिंग बायोगैस, सो दे कॉल इट एज वाटर रिकवरी फैसिलिटी। ओके, सो दैट्स हाउ दे हैव नेम्ड। और आप देख रहे हैं इनका जो टर्शियरी टैंक है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट प्रोसेस में अगर टर्शियरी यूनिट जो है इसमें तो अच्छा पानी आना चाहिए, और ये मेन टैंक होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ये आप लोगों को समझने वाली बात है। यहाँ पे ये जो माइक्रोब्स जो होने चाहिए जो ट्रीट करते हैं सीवेज को, ऐसे कॉन्क्रीट का जो सेटअप होता है इसमें कहीं भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, माइक्रोब्स कैन ओनली मल्टीप्लाई इन द सॉइल, इन द नेचुरल कंडीशन। सीवेज का जो माइक्रोब है, सॉइल का माइक्रोब है, उसकी जब सिंफनी होगी तब जाकर इसका ट्रीटमेंट हो पाता है।
तो इस तरह से ये पूरी फैली हुई है, लेकिन इसमें फिर भी किसी भी तरीके का सही तरीके का इंतजाम नहीं हो पाता। आप देखो, अभी हमने इसमें एक हैंडमेड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, जिससे आपको समझना है कि जब इस तरीके का सिचुएशन की सॉइल है, उसमें से बैक्टीरिया है और राइजोम्स, ज्यादा करके जो ब्लू कार्बन हम कहते हैं, राइजोम्स में से फंजाई, बैक्टीरिया, आर्किया, ये सब जब आएंगे और एक साथ जब इनकी मिलन होती है, दैट इज हार्मनी, व्हेन इट हैपेंस देन ओनली देयर इज ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल इनसाइड द। जैसे अभी आपको हमने ये यूनिट जो दिखाया, इसमें क्या कर रहे हैं वो, ज्यादा करके एटमोस्फेरिक, इस तरीके का पेड़ पौधे नहीं लगाए। अब देखो मुंबई की हालत देखो, हर नदी की हालत देखो अपनी, ये है वालभट नदी, दहिसर, ओशिवरा, ये रही मिठी, ये आप देखो सारी सारी नदियों की हालत देखो क्या है, ये है अपनी सारी नदी, है मुंबई की नदी, मिठी नदी, आप लोगों की ये बैंड्रा की तस्वीर है, ये महाराष्ट्र नगर, वाल्मीकि नगर वगैरह है ये, और इस तरह से ये पोकलेन वगैरह लगाते साफ करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये परिस्थिति में ये सब चीज़ें जब घूमती है और भी गंदा पानी परकोलेट होता है ज़मीन में, हर तरफ देखो कचरा से भरा हुआ। आप लोगों को ये सब चीज़ों में ध्यान देना है, ये आपके इर्द गिर्द की ही जगह है। ये एक और जगह है जो मैं सुबह से आपको बता रही थी, आर्य मिल कॉलोनी, आर्य मिल कॉलोनी में भी अपनी मीठी रिवर बहती है, बहुत लोगों को पता नहीं है, और उधर का भी हमने परिस्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन अभी सब जो कंक्रीटाइजेशन करके यहाँ पे कुछ सर्विस रोड वगैरह बना रहे हैं, नदी को सिकुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ का एक और परिस्थिति आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो कैटल, हाँ एक जो मैंने आपसे सुबह कहा कि पवाई लेक का सब पानी जो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे कैटल यूनिट्स हैं, कैटल शेड्स हैं, ये सब उसका कोई नियोजन नहीं है, तो सारा जो गोबर का पानी है, ये पूरा का पूरा गोबर का पानी, 500 केटल शेड्स मतलब कुछ नहीं तो भी 30,000 बफेलोज है, इसका सारा जो गोबर का पानी है वो पूरा मिट्टी में जा रहा है। ये देखो यहाँ पे MLT भर भर के यहाँ पे पानी पूरा गोबर का आता रहता है, इसी तरह से इसीलिए मीठी नदी की हालत देखो क्या हो गई है। आप लोगों को ये सब समझने की जरूरत है, इसीलिए जब आप लोग अपने कॉलेज में आप जब स्टडीज कर रहे हो, तो चार दीवारी में मत करो, हर चीज का स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, सब ने बाहर आकर ये सब चीज़ों को पढ़ना है, देखना है, ताकि हम लोग अपने अपनी चीज़ों को सुधार सके। ये देखो पवई लेक, अभी मैंने आपको सुबह पवई लेक की बात की थी, ये रही पवई लेक, और यहाँ पे सारा कचरा लाके डाला जाता है, इसीलिए आज देखो ये देखो सिल्टेशन पूरा हो गया है और उसके ऊपर पूरा हाइसिंस ग्रोथ है, और इसी के बाजू में ही पवई अपना IIT पवई है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा, ये पूरा सिचुएशन आप देख रहे हो पवई लेक का है। दिस इज द कंडीशन व्हाट वी हैव मेड ऑल आर लेक्स, दिस लेक्स आर सपोज टू बी सप्लाइंग वाटर फॉर अस। देखो यहाँ पे ये कचरे की हालत है, और देखो यहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट भी चलाया रखा है, जिसमें खाली एरेशन का कुछ बड़ा सुंदरता से वो फवारा लगा देते हैं और सोचते हैं एरेशन करने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होएगा। इसीलिए हमने IIT पवई का जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसको भी शामिल करने को बोला है, और यहाँ पर ही देखो ये जो जगह है ना, यहीं पे मैं आपको जो कह रही थी स्प्रिंग्स, ये यहीं पे ही बाजू में ही बहुत सुंदर सुंदर, ये देखो ये आदमी जो पानी निकल रहा है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्प्रिंग्स है, बहुत प्योर वाटर जो जमीन से निकल रहा है, लेकिन ऐसे गंदगी में वो पानी बेकार जाता है। ये है बाकी जो तुलसी लेक और विहार लेक, ये है यहाँ पे तुलसी, ये विहार लेक का पिक्चर है, आप देखो कितना सिल्टेशन हो चुका है, जब तक ये सब को नहीं निकालेंगे तो कैसे हम कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे अपने वाटर का। और ये वही कैटल शेड का जो मैंने आपसे बताया अभी कि पूरा गंदा। अभी देखो हमारे मुंबई में जो सेग्रीगेशन का भी कोई यूनिट नहीं, ये इतना सा ही यूनिट है सेग्रीगेशन, पूरे मुंबई शहर का मैं बता रही हूँ ये सेग्रीगेशन सेंटर, इसीलिए अभी डिस्पोजल एट सोर्स, अपने अपने घर में डिस्पोजल करना है, सेग्रीगेशन हो वो देखना है, और वहीं के वहीं डिस्पोजल कैसे हो सके। ये देखो सारी नदी की हालत, अभी देखो नेट डालते हैं इसको, इसको फिश निकालने के लिए डाला था, लेकिन इसमें सारा प्लास्टिक ही निकला है, सब जिधर पे भी आप नेट डालोगे, या आपकी माहिम क्रीक अपना जहाँ पे आके कॉन्फ्लुएंस होता है मिठी रिवर, वहाँ की हालत है ये, तो ये अपनी परिस्थिति है सारी नदियों की। अब माइक्रोप्लास्टिक में भी देखो, जब डैफनिया का ये जो है जूप्लैंटन्स के अंदर भी जब देखा गया, अ प्रेग्नेंट जूप्लैंटन विद 6x अबव अ गट फुल ऑफ द माइक्रोबीड्स एंड एल्गीज, ये देखो ये देखो, तो ये हालत है आपका, आप जानते हो कि फिश का फूड ही यही वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, अब यही जब आगे चल के फिश खाएंगे उनके पेट में जा रहा है, सब जगह पे देखो ये स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल्स है मुंबई के, सारे में प्लास्टिक भरा हुआ है, तो यही परिस्थिति अपने सारे इसका। और ये देखो इसके वजह से, और जहाँ पे रिहैबिलिटेशन नहीं होता है, जैसे डैम वैम बन रहा है तो जिन लोगों को घर नहीं दिया जाता है तो वो डैम के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा,
जब वो टट्टी पिशाब वही करेंगे तो उससे जो निकलने वाले जो निमाटोड्स वगैरह है वो सब देखो फिश के स्किन में, फिश के बॉडी में, और फिर इसी तरह से लोग ऐसे ही फिशेस खा रहे हैं। ये बारवी डैम का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अब यहाँ पे भी देखो ये भिवंडी की तस्वीर है। हर तरफ अगर आप देखोगे नदियों की हालत बहुत बुरी हालत है, और हर जगह पे इस तरह से जो ड्रेनेज लाइन है वो ऐसे कनेक्ट करके पूरा इस तरह से छोड़ा जा रहा है पानी। ये खारवा रीजन का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो सैंड माइनिंग किस तरह से नदियों पे हो रही है। तो ये बहुत ही बायोडाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ स्टडी है, जो आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और अलग अलग चीजों की जानकारी बढ़ती है। ये मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कैलिफोर्निया का सिचुएशन, जहाँ मैंने पहली बार ही 4 साल पहले जाके देखा था कि ओवेंस रिवर जो है, ओवेंस वैली में ओवेंस रिवर है, जिसको इस तरह से पाइप में डाल के कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस बहुत ही डेवलप्ड प्लेस है, वहां पानी का जरूरत है ज्यादा है, तो वहां ये लेके जा रहा है। ये तो वहां देखा था, जैसे ही हिंदुस्तान में आए, देखो हिंदुस्तान कहीं दूर नहीं है, और ये हम जहाँ अंबरनाथ में रहते हैं शिव मंदिर एरिया में, देखो ये पूरा वाल्दुनी नदी को पाइपलाइन के अंदर डाल दिया गया है, और ये इस तरह से बेड को पूरा सीमेंटिंग कर दिया गया है। आपको हम सुबह ही बता रहे थे, देखो पूरा सीमेंटिंग इस तरह से, इसलिए काला पानी जा रहा है। तो आप देख लो कि ये परिस्थिति हर जगह, और ये इसके पीछे दिमाग किसका, और आप लोग अगर इसको सही तरीके से नहीं जानकारी रखोगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं करोगे, ये सब चीजें ऐसे ही चलेगा। अब इसका दिमाग किसका, अभी आजकल रिवर फ्रंट के नाम से और इको टूरिज्म के नाम से, टेंपल टूरिज्म के नाम से, सुंदरता के अंतर्गत ये सब काम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया, उन्होंने ये सब बनाया। कल मैं देख रही थी और नए तस्वीर आए हैं जिसमें ये वॉल वगैरह में बहुत पेंटिंग वेंटिंग किया है, ये जमीन पे पेंटिंग किया। अरे भाई ये नदी की जगह है, नदी अगर इधर से नहीं बहेगी तो फिर नदी को किस तरह से बायोडाइवर्सिटी कैसे आएगी, है ना। तो ये सब सिचुएशन है, और आप देखो हर जगह पे ये। अभी हम क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को ले जाके, जो अभी ऐसे जैसे आपने अभी सुबह जो स्टडी की वैसे, ये देखिए यहाँ पे ये आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, ये हर जगह जाके हमारे साथ में, क्योंकि वो भी कहते थे कि हमको वर्चुअल डेटा दिया जाता है, हमको यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन देखने मिल रहा है स्टडी। तो उनको हमने ये जो वाल्दुनी नदी का ये उगम स्थान है, दिस इज द ओरिजिन प्लेस, अभी देखो पूरा ड्राई हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आया है, जो पूरा जो गंदा पानी ओरिजिन ऑफ वाल्दुनी में ही जा रहा है, और वाल्दुनी का पानी हर जगह सप्लाई। अब हम जो रेलवे नीर में पानी मिलता है, रेलवे स्टेशन में जो आप लोग पानी पीते हो, पानी जो मिलता है बिकता है, वो यहीं का रेलवे नीर का पानी है। और आप सोच लो कि इस तरीके का पोल्यूटेड वाटर बेचते हैं वो उस पानी में, और हम लोग सोचते हैं वो मिनरल वाटर है। तो ये सब सिचुएशन है। उल्लास नदी में भी देखो इस तरह से पूरा हाइसिंथ है, और हाइसिंथ का भी आज के दिन में एक और चीज आप दिमाग में डाल लो, हाइसिंथ इज नॉट बैड, इट्स अ नेचुरल सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन, सो दैट इज व्हाई हाइसिंथ हैज टू बी देयर इन द वाटर बॉडी। ओनली थिंग, इफ वी वांट टू स्टॉप हाइसिंथ, वी हैव टू डाइवर्ट द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इन द वाटर बॉडीज, विच इज नॉट हैपनिंग। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 30% वी हैव टू रिमूव ऑलवेज this hyacinth from the water body, and now we are trying to give training for making some articles, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह है उनके लिए सम आर्टिकल्स बना के बेचने वगैरह का, ये वगैरह का। अभी ये कल परसों की पिक्चर है, वहाँ जाके हमने ये सब चीज़ों को रोकने के लिए फिर सब इंतजाम किया है, के DMC के साथ में, कमिश्नर के साथ मिलके अभी कुछ प्रोग्राम्स हमने प्लान आउट किया है। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं, अपने बात में दम तब होता है जब आप इस तरीके का डेटा लेके उनके सामने जाते हो। यही अपना जो प्रोब्स और सेंसर्स के मदद से हम लोगों ने अलग अलग जगह पे ऐसे स्टडी कैरी आउट किया, ये सब रीडिंग्स बताए दिखाए, तब जाके हायर अथॉरिटीज कन्विंस हुए हैं, और अब जब हम कुछ भी कह रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये सिचुएशन है, आप देखो इस सिचुएशन की वजह से अभी राइजिंग इडियोपैथिक डिजीजेस। इडियोपैथिक डिजीजेस मतलब क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ द डिजीजेस, कुछ नया, कोविड का हम लोगों ने पहले नाम ही नहीं सुना था, डेंगू, चिकनगुनिया, कुछ कुछ नया 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 नाम हर बार ही हम लोग सुन रहे हैं। तो ये सब चीजों को अगर रोकना है तो हम लोगों को सारा जो कचरा डालना बंद करना है। और ये देखो ये जो जगह है मलंगढ़ कल्याण का, यहाँ पर बॉम्बे का, अपन जो बॉम्बे में है, सारा BMC का जो कचरा वो सब ट्रांसपोर्ट होना है या अंबरनाथ में कुशिमली रिवर है, और इस तरीके का मलंगढ़ का जो जगह है इसको हमने अभी भी रोक के रखा है 2-3 साल से, क्योंकि यहाँ पे अगर वो कचरा, और जस्ट इमेजिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सो मेनी लैक्स ऑफ 800 tons, lakhs of that has to be transported, so you can imagine transportation, then यहाँ का जगह गंदा करना, जबकि ये कुचरन लैंड है,
जिससे कि इस गांव के लिए डेवलपमेंटल वर्क होना चाहिए, आइदर स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरीके का हेल्थ सेंटर कुछ होना चाहिए। ये अभी आपको हम बता चुके हैं, सुबह रिपीट नहीं करेंगे। और तो इस तरह से हम अथॉरिटीज को अभी ट्रेन करते हैं, सारे वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो बीएमसी का है उनको हमने पूरा ट्रेनिंग किया हुआ है। अब धीरे 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 काम सब चल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोग्राम में आपको क्या, जो अभी सुबह से आप लोगों ने किया एक एक चीज, जैसे हम लोगों ने पानी देखा वो कैसे होना चाहिए, नदी कैसे होना चाहिए, उसके उसको देखने का तरीका क्या होना चाहिए, फिर अवेयरनेस ड्राइव, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, देन एंगेजमेंट इन डिफरेंट मैनर्स, देन यू हैव टू मेक योर लाइफस्टाइल आल्सो दैट वे, फिर क्लीनिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, प्लांटेशन, ये सब चीजें तब पॉसिबल होगा जब आप इसका एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्ट करोगे और फिर एक एक पॉकेट में काम करोगे। मेरे ख्याल से इतना अभी आज के लिए बस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं और आप देख सकते हो कि हम लोग अलग अलग लेवल पे किस तरह से लोगों से जुड़ते हैं। अभी पहली बारी हमने ये ऑटोनोमस कॉलेज अनाउंस हुआ था जब ठाकुर कॉलेज, उसमें हमने करिकुलम भी उसमें डाला है, जिसमें हमने रिवर रिजुविनेशन एंड वाटर मैनेजमेंट विद पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऐसे करके उनके यहाँ पे हमने ये इंट्रोडक्ट, अपना एक अच्छा कॉन्शियस लीडरशिप देना है जिससे आप अपने देश को, अपने जहाँ पे आप रह रहे हो लोकली, वहाँ पर भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के हम जी सके, वैसा एक सिचुएशन देना। नहीं तो हर बारी अभी दिल्ली में क्लब खुले हैं, पता है ना, ऑक्सीजन क्लब, वो क्लब में जाना पड़ता है पैसे भर के सांस लेने के लिए, तो ये प्रथा अभी फिर बढ़ती चली जाएगी, वो प्रथा नहीं रहनी चाहिए। हम लोग जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को और बढ़ाना है, और हम लोगों को आगे की तरफ अपनी नदियों को अपना, क्योंकि आई होप दैट यू ऑल नो दैट इवन सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द रिवर एज लिविंग एंटिटी। इट्स नॉट दैट वी आर द ओनली वन टू डू दिस, ऑलरेडी अब्रॉड कंट्रीज हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्लेयरिंग लिविंग एंटिटी, मतलब क्या, एज अ ह्यूमन बींग ओनली। क्योंकि आप अगर पूरा कैरेक्टरिस्टिक अगर अभी मैं आपको बताने लगूं रिवर का और एक सिस्टम बताने लगूं, तो अपना जो सर से लेकर अपना जो पूरा रेक्टम और यहाँ फाउंटेन एरिया, वो सब आपको उसके साथ में, आपको उसका साथ का एक एनालॉजी मिल जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को समझते हुए हम लोगों को रिवर के प्रति काम करना है। और उसमें भी आपको बता दिया, रिवर सिर्फ नहीं, फॉरेस्ट, सॉइल बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर, ऑल द थ्री वी हैव टू कंसिडर क्यूमुलेटिवली एंड देन ओनली वी विल गेट द इम्पैक्ट इन अ राइट मैनर एंड वी विल बी एबल टू मैनेज आवर रिवर्स प्रॉपरली। सो इफ एनी क्वेश्चन, I would invite that. कोई भी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि इसमें से कोई प्रश्न पूछना है, अभी आप पूछ सकते हो, दो मिनट के लिए पूछेंगे, फिर वी विल मूव आउट। एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज इन देयर माइंड? किंवा पूर्ण इयर मुंबईला जो स्टोरेज हवा एवढा वॉटरचा, तर त्यासाठी काही प्लॅन झालं का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपके मैडम ने कि अगर हमारे पास, देखो पहले जमाना जब था जब हम लोगों को ये स्टोरेज की जरूरत पड़ती थी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी, एक्चुअली डैम जो बनाया है वो स्टोरेज के लिए नहीं है सच, वो डैम जो बनाया गया है वो मेनली इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के वो सोर्स से किया जाता था। लेकिन अभी अगर हम बोले, अभी जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, अगर बोले अब कहा जाता है कि ऐसे डैम में पानी को नहीं रिजर्व करके रखना, क्योंकि जब पानी डैम में आके वहाँ स्टे हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, उसके साथ साथ फॉस्फेट का क्वांटिटी बहुत बढ़ रहा है, वो मिट्टी वगैरह जब आ रहा है फॉस्फेट, और वो जब फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, अभी जो अपना पोल्यूशन भी वाटर में हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट पोल्यूटेंट्स, दैट मीन्स नाइट्रेट फॉस्फेट जो ज़्यादा हो रहा है, और वो जब ज़्यादा होता है मिट्टी में तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी लूज होती है। ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस का आविष्कार हो रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ स्टडी हो रहा है, तो उससे ये सब समझ में आ रहा है। अभी आपने स्टोरेज की बात की, स्टोरेज ज़्यादा कौन सा होना चाहिए अपना? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में परकुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे दैट इज अवर रिजर्व बैंक। सरफेस का वाटर इज नॉट योर रिजर्व बैंक, योर रिजर्व बैंक इज द ग्राउंड वाटर, सब सरफेस एंड the below level, so that is what you have to maintain, there you have to create your storage, not above. और अभी अगर आप देखोगे जब डैम बना उसके बाद में ये जो अपने मलेरिया वगैरह
उधर का स्टडीज बताता है कि उसके रिजर्वायर वगैरह से किस तरह से मलेरिया वगैरह कैसे ज्यादा बढ़ा, क्योंकि वो सब मेंटेन नहीं हो रहा है। और वो डैम में भी आज के दिन में देखेंगे तो 60% कैपेसिटी वो डैम्स की खत्म हो चुकी है, सिल्ट भर गया है पूरा, और उसको क्लीनिंग होता नहीं है टाइम टू टाइम, जो होना चाहिए उसकी कैपेसिटी जो होनी चाहिए स्टोरेज की वो है ही नहीं, तो अभी हमको वो जरूरत है ही नहीं। और दूसरा, अगर आप देखोगे बारहवीं डैम का, अगर आप गूगल स्टडी करोगे, गूगल अर्थ का और बाकी भी स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा आज जो फ्लड ज्यादा आ रहा है क्योंकि डैम की कैपेसिटीज कम हो चुकी है और पानी इसीलिए ज्यादा दूर तक फैल रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्लड एरिया कवर कर रहा है। तो ये जो परिस्थितियां है इसको कम करने के लिए बहुत जरूरी है, नदी को फ्रीली छोड़ देना है, फ्री फ्लो होना है, ताकि ये फ्रॉम ओरिजिन टू कॉन्फ्लुएंस ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार बह सके और बायोडाइवर्सिटी को अच्छा रख सके। तो ये बहुत जरूरी है।